कनाडा इमिग्रेशन के लिए या ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत मेजर तबका है, ठीक है, डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन आइल्स में बड़ा स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल सिक्स बैंड नहीं आता है, अब क्या करें, इमिग्रेशन कैसे अप्लाई की? तो देखिए जी, अगर आप PhD हैं, आपने MPhil किया हुआ, लेकिन अगर आप 4-5 बैंड पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर तो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब रखना। कड़वी गोली आपने खा ली है, डॉक्टर ने नहीं खा ली है। Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk. You are watching Pakistan's first and only immigration podcast in which we discuss almost everything related to immigration, news, updates, processes and everything. And आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जिस तरह आप शायद जानते होंगे, हमने अपने सोशल मीडिया पे बड़ा रिसेंटली अपडेट किया था हमारे फॉलोअर्स को, क्लाइंट्स को, कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अपकमिंग एपिसोड्स में इमिग्रेशन टॉक के एंड यूजिंग हैशटैग आस्क आदिल इस्माइल। तो वन ऑफ द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमें रिसीव हुआ है, वो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू दैट डिस्कशन विद द एक्सपर्ट मिस्टर आदिल इस्माइल। सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कीमती वक्त अपने एक बार फिर से जो है वो दिया है। और जिस तरह आप जानते हैं, हैशटैग आस्क आदिल इस्माइल का जो चल रहा है ट्रेंड, काफ़ी सारे लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कमेंट्स में, इनबॉक्स के अंदर। तो वो बड़ा एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो आया है कि जी कनाडा इमिग्रेशन के लिए या ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत मेजर तबका है, ठीक है, डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन आइल्स में बड़ा स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और उसको किस तरह से टैकल करना चाहिए? सबसे पहले तो यह बड़ा अच्छा आपने सीरीज शुरू की है, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड के लोगों के सवाल पब्लिकली जो सवाल होते हैं उनको लिया जाए और वो इंशाल्लाह इसको भी हम ट्रेंड के ऊपर लेके जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा है, ताकि लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, लोगों को जो एजुकेट करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो इंशाल्लाह जो है इस हद तक हम कामयाब हो गए कि लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई कैसे अपने अप्लाई करना क्या है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बड़ा सादा सा सवाल है और बहुत शुरू से ही जब लोग आते हैं बहुत से लोग इससे वाकिफ भी होंगे, बट ये टेक्निकली भी है। टेक्निकल इस सेंस में है कि ना, हर प्रोफाइल वेरी करती है दूसरी प्रोफाइल से, ऐसे ही है, और हर इंडिविजुअल को अपने तय जो है वो रिक्वायरमेंट दरकार होती है लैंग्वेज। हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, हम कनाडा अप्लाई करें, आप आइल्स के या लैंग्वेज असेसमेंट यू कह लें कि उसके बगैर आप छुटकारा नहीं हासिल हो सकता, ठीक है ना। लोग तो पहले तो इस बात को निकालते हैं अपने जहन से, जो पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस वक्त तक अप्रूव्ड है, इस वक्त तक एप्लीकेबल है। PT इस वक्त अप्रूव हुआ है, एप्लीकेबल नहीं है कनाडा के हवाले से, एप्लीकेबल है। PT एप्लीकेबल है शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन के अंदर, तो वहाँ आप कर सकते हैं। बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इधर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों की रिक्वायरमेंट है 6 in each, कम से कम 6 in each जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको अप्लाई करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेदर इट अप्लाइज टू एवरीवन। सब जवाब है कि नो। उसकी वजह इसलिए है कि ना, हर ऑक्यूपेशन और हर जो है वो सिनेरियो डिफरेंट है। जैसे मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, एक सिनेरियो पे कोई ले जाए तो हंड्रेड्स ऑफ सिनेरियोस को तो हम बात नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल के एक बंदा जो है वो बहुत यंग है और 25-26 ईयर्स का है, उसने अभी बैचलर्स किया रिसेंटली, उसके बाद 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है मैक्सिमम, और वो आप अप्लाई करना और सिंगल है, ठीक है, और ना उसके पास कोई ब्लड रिलेटिव है, ठीक है। अब ये शख्स जब इमिग्रेशन अप्लाई करने जाएगा, खासतौर पर जब हम कनाडा की बात करेंगे, तो ये शख्स 6 बैंड ले भी ले तो तब भी अप्लाई नहीं कर सकेगा, तब भी उसका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बनेगी। ऑल राइट, यहाँ पर और फौरी तौर पर मैं ये बता दूँ कि एक्सप्रेस एंट्री जो है वो सिस्टम है टू मैनेज ऑल द वीज़ा क्लासेस मोस्टली, ठीक है। तो एक्सप्रेस एंट्री को हम फेडरल ना कहें, लोग अक्सर फेडरल स्किल वर्कर को कहते हैं, तो वो जो चल रहा है 491 स्कोर चल रहा है तो एक्सप्रेस एंट्री है, और PNP कुछ अलग है। नहीं, PNP भी मोर लेस एक्सप्रेस एंट्री के साथ ही चल रहा होता है, क्योंकि सारे के सारे जो अल्बर्टा है, ओंटारियो है, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रंसविक है, मेन प्रोविंसेस जो है, मेन स्ट्रीम प्रोविंसेस जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो एक्सप्रेस एंट्री को बनाने के लिए 6 बैंड आइल्स चाहिए, और उसमें सिनेरियो देखा जाएगा कि आपकी आप क्या फेडरल के 67 पॉइंट्स का जो क्राइटेरिया उसको मीट करें नहीं करें। अभी टेक्निकल बात है, लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत आगाही देके समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये बात है कि आप 6 बैंड हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बट जनरल क्वेश्चन के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो 6 बैंड अब ऐसा ही है कि एक शख्स मास्टर डिग्री है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, सिंगल भी है। अब ये अगर फॉर एग्जाम्पल 6 बैंड के ऊपर आए तो शायद एलिजिबल हो जाए, अगर वो 67 पॉइंट बनाए और उसका ब्लड रिलेटिव भी है। तो डिफरेंट सिनेरियोस के ऊपर जो है ना, हमें कैलकुलेशंस करके देखना पड़ेगा कि क्या वो पूल में जाने के अहल है। अगर फॉर एग्जांपल 6 बैंड
नहीं आता है, ठीक है, और या सिक्स बैंड पर ही है, पूल में नहीं जा सकता, अभी एक अलग सवाल है, ठीक है। अब क्या करें, इमिग्रेशन कैसे अप्लाई की, इमिग्रेशन फिर भी कनाडा की अप्लाई होगी, ऑस्ट्रेलिया की नहीं हो सकती, ठीक है ना, सिक्स से नीचे तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो एक कनाडा में फिर भी एप्लीकेशन प्रोविंशन नॉमिनी में एक आध जो प्रोविंस है, जैसे सस्कैचवन है, उसकी अपनी एक कैटेगरी है ओआईडी की, ऑक्यूपेशन इन डिमांड की, वहां पर मैं ले जाकर 60 पॉइंट्स अगर मेरे बन रहे सस्कैचवन के एसआईएनपी जिसको जो कहलाता है उसमें अगर मेरे बन रहे तो मैं एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ, और मैं फिर भी कट ऑफ का वेट करूंगा कि मेरा सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, वो तो अलग बात है कि कट ऑफ क्या चल रहा है, एटलीस्ट जो सवाल है या सेटिस्फाई होना है कि बस यार मैं पूल में बैठा हुआ तो हूँ ना, तो वो एक उम्मीद के तहत आप जो है ना वो जा सकते हैं, बट वो चांसेस रेयरली हैं, कम है, इसीलिए मैक्सिमम कंसर्न्स भी मना करते हैं कि सर का दर्द नहीं रखना कि आप जो है वो बैठकर ओआईडी में अगर आपके चांसेस नहीं है, आपका ऑक्यूपेशन इतना नहीं, तो आपको मना कर देते हैं कि भाई फाइव बैंड पे नहीं हो, आपको ऑब्वियसली जब आप फाइव बैंड पे हैं, साढ़े चार बैंड के ऊपर हैं, तो आपको इस तरह के भी स्कैम्स में भी फंसते हैं, और इस तरह के आप जो है वो इन स्लैंग लैंग्वेज जुगाड़ पे जाते हैं कि मुझे जॉब ऑफर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं बस सिर्फ पैसे दे दूं, और फिर बाद में आप रो रहे होते हैं, फिर बाद में गुस्सा भी क्यों कर रहे हैं, जब आप खुद अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेके आए, तो ये सारी चीजें आपको क्योंकि बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन का बायस बन जाता है कि जब आप इनिशियली तो कंसर्न के पास आ जाते हैं कि जी हमने आपको असेसमेंट करके बताया कि आप शायद 8777 करेंगे तो आपका ये स्कोर बनेगा, लेकिन दो तीन महीने बाद जब आपका ईसीए हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, और अब आप आईएलटीएस में स्ट्रगल करते हुए पाए जा रहे हैं पांच बैंड साढ़े पांच बैंड पे, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है कि शायद कंसल्टेंट इसमें कसूरवार है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताया कि ये क्या है, ये एजुकेट ना होने की वजह से, हम दोनों तरह से एजुकेट नहीं है, हमारी आवाम जो है वो दोनों तरह से नहीं, हम थोड़ा सा जो है वो एक होता ना फ्रस्ट्रेशन लेवल और डिसअपॉइंटमेंट, और फिर ये वाला है कि मैं तुम्हें गिरा सकता हूँ, उठा सकता हूँ, बिठा सकता हूँ, ये वाली सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हालांकि एक क्वालिफाइड शख्स को बड़ा सोच समझ के जो है ना ये बात भी करना चाहिए कि जब आपको जब आपसे पहली मुलाकात होती है, जैसे हमारे जैसे कंसर्न है, जब आपसे मुलाकात भी होती है या आपको असेसमेंट भी दिया जाता है, हमारे तो रिवाज ही नहीं है कि बगैर असेसमेंट के आपको बुला भी लिया जाए, ठीक है, जब आपको चाहे सेमिनार हो चाहे किसी जगह पर हो, आपको बुलाया बताया और आपको बताया कि भाई सिक्स फॉर एग्जाम्पल 6.5 इन ईच करना है, 7.5 सील भी एड है, अभी 7 का भी नहीं है, नॉर्मल बता दिया आपको, ठीक है, या आपको कास्ट 6 बैंड के ऊपर भी आप एक पूल में आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब आप लेके आ रहे हैं पाँच बैंड साढ़े पाँच बैंड, और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं आप कंसल्टेंट के ऊपर कि भाई कंसल्टेंट ने नहीं किया, ये तो मेरे साथ यू हो गया, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया या मुझे गलत दिखाया, देखिए आपको आपको कोई भी कंपनी पे रखकर जो है ना वो केस नहीं लिया जाता, आपको पहले डिफाइन किया जाता है कि आपके ये है, आपको बैंड्स को पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको या तो पहले से करके आना चाहिए था, आपको ये भी बता दिया भाई आइल्स आपके लिए, आप कहते नहीं हो जाएगा, और हम कह रहे हैं जब आप जो हमने आपको रिक्वायरमेंट दी है अगर आप वो फुलफिल कर ले तब आपके चांस बनेंगे ना, उस बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि आपके चांसेस बहुत अच्छे, आप तो उस रिक्वायरमेंट में फुलफिल ही नहीं कर रहे ऐसे ही है। तो इस तरीके से जो है आपको नहीं सोचना होता या नहीं करना होता, आप जो आपने काम करें, जैसे मैं अक्सर और बेशतर और कहीं अपने कंसल्टेशन में भी बता रहा होता हूँ कि देखें कड़वी गोली आपने खानी है, डॉक्टर ने नहीं खानी है, या तो आप सोच समझ के पहले आप दें और फिर आप उनके फॉलोअप को करें कि आपने सर्विस ली, सर्विस चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, तो ये अब ये बात ये भी नहीं चलेगी कि हर बात में आप कह रहे हैं ना कंसर्न जो है ना वो इस तरह के होते हैं। बड़े एक रिसेंटली भी मुझे एक पर्सनली कॉल रिसीव हुई और एक खातून ने कहा कि जी अगर आइल्स भी मैंने ही करना है और ईसीए के लिए अटेस्टेशन भी मैंने ही करवानी है तो फिर कंसल्टेंट क्या करेगा, तो बड़ा एक यू नो ताजुब की बात लगी कि शायद फिर कंसल्टेंट को इमिग्रेट कर जाना चाहिए, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से कम ऐसे ऐसे देखिए आपको ये बड़ी तादाद तो नहीं मिलती, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होंगे, 100 में देखिए आपके पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत से लोग क्वालिफाइड लोग आपके पास और एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, बहुत लोग आपको इंडोर्स भी कर रहे होते हैं, तो बहुत एक कीमती लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आता है ये लाइल भी हो सकती है, ये मासूमाना सवाल तो हो सकता है, तो उनको कोशिश करें कि आप एजुकेट करने की, अगर कोई शख्स एजुकेट नहीं करता तो आप अपना रास्ता लें, वो अपना रास्ता लें, इसमें हमें कोई किसी के साथ जो है ना वो हमारी कोई भी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमने आपको बता दिया, हमने आपको समझा दिया, हमने आपको जो है ना कर दिया, लेकिन आपको अगर लीगली कोई बाउंड है अगर आपको कुछ करने के लिए तो आपको करना होगा, तो इसलिए जो है ना फ्रस्ट्रेशन निकालने से काम नहीं बनेगा, आप सूरज के मुंह पे थूकने से आपको सूरज को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको आप अपना काम करें, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनकी पजीराई करें, जो लोग स्कैम्स करते हैं स्कैम्स को आप जो है वो तोड़ें, स्कैम्स के बारे में जो लोगों को आगाही दें ताकि और लोग बच सकें, और ये फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर पांच बैंड साढ़े पांच बैंड पे स्ट्रगल कर रहे हैं पर यहाँ पर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि शायद मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो वो फिर या वो कंसर्न आपको आइल्स बना के देते हैं या आइल्स खुद कर दे, फिर वो जॉब ऑफर निकाल के देते हैं,
तो फिर आप जॉब ऑफर का मामला आपने पिछले सालों में खुद देख लिया है और लोगों ने हमें इसीलिए फिर इंडोर्स भी किया है, जो हम बात बता रहे थे या कर रहे थे वो अब जो है वो लोगों के सामने मौजूद है। ऐसे ही उनको फिर कहीं से भी अगर आवाज़ आती है कि जॉब ऑफर करवा देंगे या कम आइल्स पर हो जाएगा तो वो फिर उसके पीछे चल पड़ते हैं, फिर साल डेढ़ साल बाद फिर आना हमारे पास ही होता है इंडोर्समेंट देने के लिए। तो ये चीज़ मेरे ख्याल बड़े वाजे हमारी ऑडियंस को पता समझ जानी चाहिए कि या तो आप आइल्स करके आ जाएँ, कंसर्न तो आपके लिए यू नो ईगर नहीं है आपको केस लेने के लिए, हमारे यहाँ तो तरीकेकार भी वो नहीं है कि हम सेल्स के पीछे भागें, हमारा तरीकेकार होता है एलिजिबिलिटी डिफाइन करना। तो या तो आप आइल्स करके आ जाएं अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आपने इसको हम आपको तो पिच कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपने ये किया। अगर किसी जगह पर आदिल इस्माइल ने या सुपीरियर कंसल्टिंग ने ये चैलेंज खोला आज पॉडकास्ट और आज मीडिया के थ्रू चैलेंज है, आप कहीं पे ये प्रूफ कर दें या बता दें या कहीं पे रिकॉर्ड कर लें कि आदिल इस्माइल या उसकी टीम जो है ना वो 4-5 बैंड के ऊपर केस ले लेती है, या आपको एडवाइस किया कि नहीं नहीं 5 बैंड पर भी आपका बहुत 100% चांसेस है, पॉसिबल नहीं है। हम एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को फॉर कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे कोई ये समझे कि ना वो आदिल इस्माइल, तो देखें अगर डरने वाली बात होती तो मैं कभी भी स्कैम को क्रैक नहीं करता, ऐसे ही है ठीक है ना, तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं जो है वो छुपता नहीं हूँ इस मामले के अंदर, तो हमारी अपनी है, हमने जिस तरह से लोगों को लीडर्स ने सियासी शऊर बेदार किया, हमने यहाँ पर कंसल्टेंसी में लोगों को जो है ना वो शऊर बेदार किया है, तो हमें इससे कोई जो है ना सरोकार ये फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक लेगेसी को लेकर फॉलो कर रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, तो कोई भी शख्स जो है ना वो इस बात को लेकर इस तरीके से फ्रस्ट्रेट ना हो कि भाई आइल्स में कम में जो है वो हमने गाइड कर दिया। तो बड़े वाजे यू नो सारे चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि आप तो इनफैक्ट वाहिद कंसल्टेंट है पूरे पाकिस्तान में जिसने सबसे पहले इमिग्रेशन फ्रॉड की जो है वो आवाज़ उठाई कि किस तरह से स्कैम्स को आइडेंटिफाई करना है, और जबकि बाकी कोई कंसल्टेंट चाहे रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी है फॉर एग्जाम्पल 8777 की एडवाइस की गई है तो आपको उसको अचीव करना ही है ताकि आप कुछ अच्छी उम्मीद लगा सके। और वैसे भी ऑब्वियसली गारंटीज तो फिर भी नहीं है इस बैलेटिंग सिस्टम में, आपको पूल में आना है और वेट करना है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल है कि हमारी ऑडियंस को बड़ा वाजे समझने की ज़रूरत है कि जी अगर आप PhD हैं, आपने जो है वो MPhil किया हुआ, लेकिन अगर आप 4-5 बैंड पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर तो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब रखना मुनासिब नहीं है आपके लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपना ड्रीम को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें। सर थैंक यू सो मच इस बड़े कॉमन यू नो और फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के ऊपर यू नो आपने रोशनी डाली, और इसी तरीके के मजीद जो सवाल आते रहेंगे हम इन छोटे छोटे एपिसोड में कवर करते रहेंगे और आपसे वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, एंड आई होप कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा, अगर इस तरह के आपके कोई और मजीद फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हो तो यूज़ #आस्क आदिल इस्माइल और कॉमेंट कीजिए इस एपिसोड के नीचे फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस मेक श्योर to subscribe our channel. This is Abubakar Adil signing off, and I'll see you in the next one.